तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं महादेव त्यागी और आप देख रहे हो हमेशा की तरह इंटार्टिक डिजाइन। अब हो क्या रहा था कि हमारी वीडियोस थोड़ी लेट आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं आपके लिए। जितनी भी स्पेस सेविंग वीडियोस हैं इंटरनेट पे, मैं उसको करने वाला हूं रिएक्ट और रिव्यू कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो ये वीडियो मेरे साथ आप पूरी देखना, और ये बिल्कुल नया ट्रेंड है। अगर पसंद आया और इस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक आए तो मैं इसे करूंगा कंटिन्यू। तो जितनी भी ट्रेंडिंग आपकी स्पेस सेविंग वाली वीडियोस हैं छोटे रूम की, और उसमें क्या क्या लग सकता है, कैसे उसको मॉडिफाई करा जाता है, तो वो मैं देखूंगा, अपना रिएक्शन दूंगा। अपने रिएक्शन के बाद आपका उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि क्या सही है क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी एडू। 3.5 मीटर बाय 2.5 मीटर का रूम है ये। अच्छा, इसमें कंटेम्प्रेरी क्या आएगा? बेड आ जाएगा, बेड साइड डिजाइन, बैक साइड डिजाइन, और कपड़े वगैरह कहाँ जाएंगे, मतलब छोटी सी अलमीरा है, सब कुछ फैला रहेगा। मतलब मैडम ये दिखाना चाह रही हैं, वो अंकल आए दीवार तोड़ कर, दीवार में घुस गए बैठ लेके। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे एक अलमीरा आ सकती है कॉर्नर में। ओके, बहुत सारे कपड़े आ गए, मतलब इसका दिखाने का मतलब है कि कॉर्नर वाली अलमीरा है। इसको ऑपरेट कैसे करोगे आप कॉर्नर वाली को, ये थोड़ी दिक्कत रहने तकलीफ। ओ अच्छा, कॉर्नर के शटर लगा दिए, वाह बेटे वाह। वैसे इतना प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन दिक्कत रही। और एक लो फ्लोर बेड, ये परमानेंटली स्क्रू कर दिया इन्होंने, ना हिलेगा ना कुछ। इसके नीचे अगर कुछ गंदा होगा तो वैसे ही रहेगा एज इट इज़, ठीक है। बाकी बचे हुए स्पेस में बुक शेल्फ बना दिया, ओके। और यहाँ से कुछ स्पेस निकाल के यहाँ पे साइड टेबल दे दिया, लेकिन बेड से ऊंची साइड टेबल का क्या करेंगे। हाँ, लेकिन एक स्टोरेज हो सकती है छोटी सी साइड में ना, जिसमें सामान रख सकते हैं। बैक साइड बहुत सिंपल लिया है, ओ आराम टाइम हो गया है। अभी और भी कुछ है? अच्छा, एक साइड टेबल, मतलब एक स्टडी टेबल, वर्क स्टेशन वगैरह, हाँ काम कर लो। लेकिन बैठ जाने में दिक्कत नहीं होगी बेड पे वहाँ जाने में? अच्छा, ये रास्ता बना दिया एक स्टेप की तरह, ओके। जो टॉयज़ वगैरह थे वो यहाँ पे मैनेज हो जाएंगे। एक नीच बना दिया है और शेल्फ डाल दिया है। भाई ये नहीं रुक रहा है बिल्कुल भी, इसने और जाके स्टोरेज बना दिया, उसमें बुक शेल्फ वगैरह, और वो बाद में वॉलपेपर लगा दिया। तो मैडम आ गई हैं और आके दीवार में घुस गई हैं, और मतलब मेरे ख्याल से रूम कंप्लीट हो गया है। फिलहाल मुझे जो इम्प्रैक्टिकल लग रहा है वो है कॉर्नर के शटर्स खोलना, थोड़े प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, आगे पीछे करने पड़ेंगे, उसमें गैप आ जाएगा। दूसरा, बेड का जाने का एक रास्ता प्रॉपर होना चाहिए था, इन्होंने क्या करा, उसके आगे स्टडी दे दी। स्टडी देनी भी थी तो वो फोल्डिंग वाली स्टडी हो सकती थी, सो दैट कि वो अंदर चली जाए और बाद में जब निकालनी हो तब आ जाए। एंड मोर ओवर, इतना ज़्यादा स्टोरेज देने के बाद वो रूम बहुत ही छोटा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बाद में भी बुक शेल्फ, चलो वो टॉय वाला अच्छा था कर दिया इन्होंने, एक तो वो डस्ट बहुत खाएगा, और उसके बाद इन्होंने बाद में जो वो उसके साइड में एडजस्टेड वो बनाया है आपका बुक शेल्फ, वहाँ उसे बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। बाकी सारा रूम इस हिसाब से ठीक है, मतलब कबर्ड स्पेस भी बहुत निकल गया, बेड फिक्स हो गया, लेकिन छोटा बेड था। अगर बड़ा बेड करना हो तो उसके लिए मेरे ख्याल से इसमें जगह थी ही नहीं। हाँ, उसे फिक्स करने की बजाय वैसे रख सकते थे, फिक्स इसलिए कराए जो स्टोरेज ज़्यादा निकल जाए, लेकिन फिक्स की जगह वैसे रख सकते थे तो होता क्या कि अपना नीचे क्लीनिंग वगैरह हो जाती। अभी नीचे पानी वगैरह गया तो वो वहीं पर मरने वाला है और बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। तो चलते हैं दूसरी वीडियो देखते हैं। तो ये क्लाइमेक्स इंटीरियर वाले भाई साहब दूसरी वीडियो लेके आए हैं, टू किड्स बेडरूम, मतलब दो बच्चों का बेडरूम है। चलो देखते हैं अभी क्या है। अब ये कंटेम्प्रेरी दिखाएंगे शुरू में, मुझे लगता है कि जो नॉर्मली चलता है, फिर ये अपना इनोवेटिव आइडिया दिखाएंगे बाबा। चलो देखते हैं। अच्छा, दो बच्चे पढ़ रहे हैं, बुक शेल्फ लगी हुई है, अपना बेड भी पीछे मुझे दिख रहा है, एक छोटी सी अलमीरा दिख रही है और गेट दिख रहा है, बाकी बाहर विंडो है। उठ गए, कपड़े पड़े, मतलब कपड़े नहीं तो पेपर वेपर सारे फाड़ दिए और जाके सो गए हैं। लड़ भी रहे हैं, जगह ही नहीं है। अच्छा, ये इनकी मम्मी आई और उन्होंने लात मार के बेड को भगा दिया, वेरी गुड। एक बेड ले आई, सबसे पहले सोने की ज़रूरत है, पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी। ये बेड मुझे लग रहा है फिर से फिक्स कर दिया, दोनों का सेपरेट कर दिया, ऊपर नीचे था बंक बेड की जगह बराबर में रख दिया, ठीक है। अच्छा, पीछे थोड़ी सी नीच में जगह निकाल दी दीवार में, अगर दीवार 4 इंची की हुई फिर कैसे निकालोगे, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आके दोनों सो गए, पीछे कुछ जगह है मेरे ख्याल से, फ़ोन वगैरह तो नहीं, कुछ छोटे मोटे गैजेट लाइट वगैरह के लिए। अच्छा, सेपरेट भी कर दिया, ये जगह वेस्ट नहीं हुई है, वैसे जगह कमी है, वैसे भी सेपरेट कर दिया। अच्छा, यहाँ स्टेप दिखा दिया काइंड ऑफ छोटा सा, उसमें बुक शेल्फ, मतलब उसमें ड्रॉर्स दिखा दिया, कर्टेन वर्टेन की ज़रूरत है नहीं, बच्चे हैं भाई बहन है, मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। यहाँ पे स्टडी लगा दिया इसके साथ में, और यहाँ पे बहुत छोटा सा रास्ता दिया है बेड के लिए, मुझे लगता है इनअप्रोप्रिएट है। स्टडी के नीचे ड्रॉर्स, इसे खोलने में बड़ी परेशानी होने वाली है भाई, ये क्या कर रहे हो मेरे भाई, दरवाजे के बगल में जगह ही नहीं है स्टोरेज के, और इन्होंने स्टोरेज प्लेस कर दिया है, इतनी कम गहरी स्टोरेज का क्या करेंगे बाद में, दूसरी वाली ज़्यादा गहरी है लेकिन बुक शेल्फ भी तो बहुत कम गहरी है। अच्छा, ये स्लाइडर दे दिया, वो भी 3 डोर की जरा सी जगह में,
और ये विंडो भी उन्हें सेपरेट कर दिया और ये डांसिंग चल रही है प्रॉपर। आ जाओ दीवार भाई साहब, गेट खोल के आ जाया करो, दीवार तोड़ के हो चले जाया करो, तो मतलब सही से आ भी सकते हो। ये गाइस, ये यहाँ पे तो ये पहली वाली वीडियो मुझे लगता है पहले जाली इससे ज़्यादा सही थी, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने ब्लंडर कर दिया। स्टोरेज क्रिएट करने के चक्कर में इन्होंने क्या करा कि आगे स्टडी दे दी, स्टडी के नीचे ड्रॉर दे दी, वो कौन खुलेगा लेट लेट के, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। जरा सी जगह दी है बेड पर जाने के लिए, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे टकराते ही हैं, कॉर्नर राउंड रखे हैं लेकिन बच्चे टकराते हैं, इतनी सी जगह पर बेड पर नहीं जा पाएंगे। अच्छा, इन्होंने बेड क्या करा है, बेड में सेग्रीगेशन दिया है, ठीक है बच्चे हैं उनके लिए सेग्रीगेशन इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। बहुत बड़ी जगह इन्होंने वेस्ट कर दिया है बेड की जगह पर, तो वो रिक्वायर्ड नहीं था। एक इन्होंने नीच क्रिएट कर दी पीछे, वो अच्छी लग रही है लेकिन मुझे नहीं लगता दीवार में इतनी जगह जितनी इन्होंने नीच क्रिएट कर दिया, क्योंकि पीछे की जगह, पीछे की दीवार इतनी मोटी नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम थी। अच्छा, इन्हें देखोगे डोर के साइड में आपको जरा सी जगह दिख रही है, जो अगर कंपेरेटिवली मैं देखूँ तो 8-9 इंच की जगह होगी। उसके बाद इन्होंने बुक शेल्फ दिया है तो वो ओपन ज्यादा ठीक लगती है। उसके बाद शटर दिए हैं, शटर ग्लास का शटर है जो डोर में अड़ेगा और वो टूट भी सकता है। उसके बाद कबर्ड दी है, ठीक है कबर्ड ठीक है, ज़्यादा गहराई की करी है, बच्चों के लिए कबर्ड ज़्यादा ज़रूरी भी होती है, वो कर दिया। एंड उसके बाद कर्टेन डाल दिया, बाकी डांसिंग का मसला तो ये जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये मैं इसको मतलब अगर लगभग रेटिंग की बात करोगे तो मैं उसको दूंगा 10 में से 5 नंबर, क्योंकि मुझे इतना अप्रोप्रिएट नहीं लगा पहले वाला, फिर भी थोड़ा ठीक था। अब देखते हैं तीसरा में क्या होता है। फिर ये 2.9 मीटर, ये डिज़ाइन देख रहे हो, मीटर का निशान है, समझ जाओ। और ये 2.4 मीटर का रूम है, यहाँ पे डोर दिख रहा है, एक विंडो दिख रहा है। चलो रूम है, इसमें डोर विंडो तो दिया, गनीमत है। अच्छा, मुझे लग रहा है अभी कंटेम्प्रेरी के एक बेड लिया है बाहर से, मार्केट से खरीद के, और एक कबर्ड लगा दी, एक साइड टेबल लगा दी, और बच्चा हो रहा परेशान बेड पे। निकाल के बाहर फेंक दो, सब फेंक दो बाहर, अंदर ही बनाएंगे सब कुछ। तो इन्होंने एक अंडर स्टोरेज बनाई है जिसमें देखो दो दो बच्चों के ट्रॉली बैग, मतलब क्या जरूरत है ट्रॉली बैग की, क्या जरूरत है, इसमें मोटा सामान ही आएगा, इसलिए उन्होंने दो दो तीन तीन ट्रॉली बैग और ब्लैंकेट दिखा दिया। ये सब चीज़ें स्टोर में भी आ सकती है, तो अंडर स्टोरेज का इतना बच्चों के लिए फायदा नहीं रहता। ओ गॉड, इन्होंने इसी के आगे हैंगर लेके कपड़े टांग दिए, मतलब इतनी ज़्यादा गहराई इन्होंने ली थी कि उसमें आगे कपड़े टांग दिए, पीछे स्टोरेज कर दिया, मतलब हर बार कपड़े हटाओ फिर सामान निकालो। हाँ, वो थोड़ा ऐसा सामान है जो नॉन फ्रिक्वेंट है लेकिन कर सकते हैं। स्लाइडर शटर लगा दिए ग्लास के, इसके ऊपर बेड दे दिया है। ओके, अच्छा इन्होंने नाप लिया है, थोड़ा साइड में कुशन दे दिए हैं, बच्चे होते हैं लेकिन यार बच्चे के लिए बच्चा गिर भी जाता है, अगर थोड़ा 8-9 साल 10 साल का बच्चा हो वो भी कभी कभी नींद में गिर जाता है, तो ऊपर बैठ देना मुझे नहीं लगता ठीक है। इसके बाद इन्होंने नीच क्रिएट कर दिया है छोटे मोटे नेसेसरी सामान के लिए, फ़ोन वगैरह इन्होंने दिखा दिया है, बाकी और कोई सामान लैंप वगैरह या किताबें आ सकती हैं। इधर बंद कर दिया इन्होंने, गिरने का इलाज इन्होंने हाथों हाथ कर दिया कि गिरेगा नहीं, बंद कर देते हैं। साइड में स्टेप क्रिएट करने ज़रूरी थे क्योंकि चढ़ेगा कैसे, उसमें ड्रॉज दे दिए। अच्छा, साइड में एक और बड़ी ड्रॉर दे दी है, उसके साथ स्टडी टेबल भी दे दिया, लेकिन ये ड्रॉर दोनों क्लैश होने वाली है बाद में, मुझे लगता है कि बाद में चल के दोनों क्लैश होंगी। साइड में एक अपना कबर्ड दे दिया है, बुक शेल्फ वाला, वो भी कवर्ड दिया है, मतलब ग्लास शटर से कवर्ड है। उसके साइड में एक ये अच्छी चीज़ दिया है, ये इन्होंने लिखने के लिए एक मार्कर बोर्ड दिया है, एक वाइट मार्कर बोर्ड दिया है, वाइट बोर्ड, तो ये अच्छी चीज़ दी है। ये प्रिटेंड क्यों कर रहा है, इधर लिख रहा हूँ मैं, अच्छा वो ऐसे करके दिखा रहा है, ठीक है। स्टडी करते उड़ गया बेचारा, इतना पढ़ लिया कि आसमान में चला गया मून पे। यहाँ पे ब्लाइंड्स जरूरी है, जो कि ब्लाइंड्स में से क्या निकल के आया, अच्छा उसको कवरिंग करने के लिए पेलमेट कह सकते हो आप। अच्छा, बड़े बच्चों के कपड़े भी, मतलब माँ बाप के कपड़े भी यहीं टांगेंगे, पीछे स्टोरेज वेस्टेज हो रही थी ऐसा इन्हें लग रहा है, तो इन्होंने क्या करा पीछे की तरफ इन्होंने ये बना दिया, मतलब अगर आप चढ़ो बेड पे तो जरा सी जगह लेके चढ़ो, और जो नीच बनाई थी उसके ऊपर शेल्फ बना दिए अपना टॉय वगैरह रखने के लिए। आते डिप्स, बच्चा इनका पहले से ही जिम करता है, पढ़ाई वढ़ाई तो बाद में कर लेंगे, तो बचपन से जिम करता है, तो आते ही पुशअप मार रहा है, उड़ गया पुशअप मारते ही बॉडी बन गई आते ही। अरे अरे भाई, आते दीवार में कहाँ चला गया, बुरा मान गया क्या, रूम पसंद नहीं आया लड़के को। अच्छा, ये पूरा ओवरऑल रूम दिखा दिया है, तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या लग रही थी, एक तो जो
चढ़ने की जगह है जो स्टेयर केस बनाया इन्होंने ड्रॉर से, उसमें जो ऊपर की जगह जो बुक शेल्फ वो अवॉइड कर सकते थे क्योंकि बहुत कम स्पेस था। दूसरा, इन्होंने जो ड्रॉर बनाई, स्टडी में ड्रॉर नहीं देते, अगर स्टडी में भी ड्रॉर दे रहे हैं और सामने भी ड्रॉर दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बार बार क्लैश करेगी करेगी, और ड्रॉर बहुत बड़ी बनाई वो एक प्रॉब्लमेटिक रहेगी कि खोलने के लिए, वहाँ पर अवॉइड कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी पहले ड्रॉर थी। इधर की तरफ बुक शेल्फ आ गई, अच्छी बात है, वाइट बोर्ड मार्कर दे दिया, उसे भी छोटा करके स्टडी पर दे सकते थे, वो ज़रूरी है वैसे। और ऊपर की तरफ नीच वगैरह, फिर वही प्रॉब्लम है, दीवार उन्होंने मोटी नहीं दिखाई, नीच दिखा दी, लेकिन अच्छी लग रही थी, कुशन दिखा दिया, रोकने का लगाया, सबसे अच्छी बात है। नीचे की तरफ स्टोरेज को, जो हमारी स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा डीपन हो गई है, तो उसके लिए उन्होंने वो सामान दिखाया जो स्टोर का सामान वहाँ रह सकते हैं, लेकिन छोटा मोटा वगैरह जो सामान होगा वो छोटी ड्रॉर कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, वो हो सकती थी यहाँ पे कहीं प्लेस कर सकते थे तो वो ज़्यादा अच्छा लगती। लाइटिंग वगैरह करके ओवरऑल ठीक लग रहा है, तो अगर देखा जाए तो इसको 10 में से देते हैं हम 6.5 नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रूम है, रूम बड़ा जल्दी से दिखा देते हैं यार, कितना साइज है, कि साइज का करना ही क्या है, छोटा है बस, ये मान लो 3.1 मीटर बाय 2.8 मीटर का रूम है। कंटेम्प्रेरी कैसे प्लेस करेंगे, एक बेड ले आएंगे, एक साइड टेबल, एक कबर्ड हो गई डबल शटर वाली, और भैया आके परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, बिटवा इनके लात वात मार रहे हैं, कह रहे भगा दो यहाँ से, मुझे नहीं रहना इस रूम को, और इन्होंने लात में भगा भी दिया रूम। वेरी गुड, हल्क के बेटे। तो ये बेड बना रहे हैं, मुझे लगता है बेड ही नीचे की जगह छोड़ के ऊपर लगा रहे हैं फास्टनर से, नीचे सपोर्ट दे दिया इन्होंने, जरूरी है क्योंकि कोलैप्स हो सकता था बेड। ओके, इसके ऊपर अपना स्टील इन्होंने वो लगा दिया, स्लेट्स लगा दिए, यहाँ रास्ते में इन्होंने फिर से वही कबर्ड बना दिए, मतलब यहाँ रास्ते में फिर से इन्होंने ड्रॉर बना दिया, उसके बाद फिर कबर्ड दे दिया। ठीक है, सेम पहले वाले रूम की तरह इन्होंने ऊपर वो दे दिया, यहाँ कुशन दे दिया, मुझे लगता है रोकने के लिए भी ये कुछ ना कुछ देंगे। नीच यहाँ पे भी बना दिया, बस पीछे की तरफ नहीं बनाई है। ओके, यहाँ सामान पुट कर दिया है, आओ चढ़ो सो जाओ, नहीं दीवार में निकल जाओ, इनकी आदत है। यहाँ पे मेटल का लगा दिया रोकने के लिए कि गिरे ना। अब यहाँ की जो नीचे की वो है स्पेस, वो मुझे लगता है ये एज अ स्टडी यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि ड्रॉर के नीचे भी ज़्यादा गहरी ड्रॉर हो रही थी, तो वहाँ की जगह इन्होंने कबर्ड बना के यूज़ कर ली, लेकिन उसको तो बंद कर दिया इन्होंने थोड़ा सा, अच्छा इसलिए स्लाइडर लगाया है। ठीक है, यहाँ पे स्टडी तो नहीं लग रहा है, ये यहाँ पे बैठने के लिए मेरे ख्याल से छोटी सी सिटिंग दे दी है, उसके बाद स्टडी, स्टडी के बाद फिर से इतनी बड़ी ड्रॉर जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, यहाँ सामान रख दिया उसका। ठीक है, यहाँ बैठ के वो कुछ बुक वगैरह पढ़ सकता है, सामने बुक शेल्फ हो गई, और साइड में अनवांटेड सामान जो है उसके लिए आपका बुक शेल्फ इन्होंने स्टडी का सामान लगा दिया, यहाँ स्टडी के बाद बैठ के अपना कैजुअल टाइम बिता सकता है, वाइट बोर्ड मार्कर यहाँ पे आ सकता है क्योंकि स्टडी छोटी थी, एक पंखा ज़रूरी है, अच्छा बेड वहाँ पे था तो हवा ही नहीं देगा पंखा, और वहाँ लगा दिया तो कलर्स भी हो सकता है। तो ये मोर और लेस ये थोड़ा सा रूम ठीक था, लेकिन वही चीज़ जो ड्रॉर्स के ऊपर अगर ज़्यादा गहराई मिल रही है तो स्टोरेज देनी चाहिए, अदरवाइज नहीं देनी चाहिए। नीच एक दे दिया क्योंकि ज़रूरत पड़ती है नीच की, इसलिए दे दिया, उसके लिए वॉल ज़्यादा मोटी होनी चाहिए वो ज़रूरी है। एंड दूसरी चीज़ कैजुअली बैठने के लिए एक सिटिंग दे दी है, वो भी ठीक है, कुछ किताब विताब पढ़नी है वैसे वो वहाँ भी पढ़ सकता है अपनी बुक शेल्फ पे, तो वो भी देख सकते हैं। एंड उसके बाद ड्रॉर फिर से अगेन इन्होंने गलती करी है, स्टडी की ड्रॉर बहुत ज़्यादा बड़ी दे दिया है, तो उसे अवॉइड कर सकते थे, स्टडी करने का टाइम मिल गया, ठीक है सामने स्टडी हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, ब्लाइंड्स हो गई हैं, वाइट बोर्ड मार्कर यहाँ पे ज़रूरी था दीवार पे ही आना क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं है, इनके लैपटॉप के पीछे छुप जाएगा तो वो जगह नहीं है, तो वो दे सकते हैं। एंड बेड की बात करूँ तो बेड बच्चे के हिसाब से ठीक था, बड़े जो इन्होंने नीचे दिखाए कोट्स वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं है, बच्चे का सामान कुछ और बड़ा आगे आ सकता है। कर्टेन, कर्टेन कितना प्रैक्टिकल रहेगा क्योंकि नीचे की स्टोरेज है, कोई इंसेक्ट वगैरह अंदर चला जाएगा तो कर्टेन थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, और लेकिन स्टोरेज में अगर शटर्स वगैरह लगाते तो स्लाइडर नहीं काम करता, तो इसलिए ये कर सकते थे कि या तो बुकशेल्फ को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन अगर बुकशेल्फ भी अवॉइड नहीं करनी है तो थोड़ी छोड़ के बना सकते थे सो दैट कि वो शटर खुल जाए प्रॉपरली और इनका जो सामान है वो ईजिली निकल जाए। मेरे हिसाब से अगर जितना छोटा रूम है उसके हिसाब से 10 में से मैं इसको देना चाहूँगा 8 नंबर। तो इन रूम्स के बारे में आपकी क्या राय है, मैंने आपको सारे रूम्स बताए प्रैक्टिकली कि आप स्टडी रूम कैसे डेवलप कर सकते हो, छोटे बेडरूम एज अ स्टडी और बच्चे के रूम के लिए कैसे डेवलप कर सकते हो, तो आपकी क्या राय है रूम्स के लिए मुझे जरूर बताना, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बता देना। ऐसे रिएक्ट वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मैं और वीडियोस ले आऊंगा ऐसे, क्योंकि बहुत सारा कॉन्टेंट है इंटरनेट पे, रील्स पे ये जो बना के डाल देते हैं, लेकिन ये कितने प्रैक्टिकल है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपकी कोई राय है तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में वो राय दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो। मैं हूं महादेव त्यागी, फिर से लेके आऊंगा एक जबरदस्त
ऐसा ही कंटेंट आपके लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए नहीं तभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू देन।